बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक उत्सव का पार्ट 2 जो कल पढ़ चुके थे उसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का, हमारे पास तो इस समय कोई नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन काम, दूसरा रुपया, तीसरा कपड़ा। तो हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था, तो आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। तो इसका पहला ऑप्शन होगा काम। खा, वेतन मिलेगा। पहला ऑप्शन 14 रुपये, दूसरा 15 रुपये, तीसरा 16 रुपये। तो ये बात इस स्टोरी में हम लोग ने पढ़ी थी। इसका आंसर है दूसरा ऑप्शन, 15 रुपये। गा, बादशाह से किसने शिकायत की। तो हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था बादशाह से किसने शिकायत की थी। इसका पहला ऑप्शन है चुगलखोरों ने, दूसरा चोरों ने, तीसरा मंत्री ने। तो इसका आंसर होगा चुगलखोरों ने, जो इधर की बात उधर करते थे। गा, कितने मंत्री नशे में थे। पहला ऑप्शन 5, दूसरा 6, तीसरा 7। तो हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था कितने मंत्री नशे में थे, तो इसका आंसर होगा 7। तो अब हम लोग दूसरी एक्सरसाइज फिल करते हैं। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला, मंत्री को एक आदमी गलत लगा। तो इसका क्या आंसर है, गलत। तो इस पे हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। दूसरा, मंत्री दुखी था। तो इसमें यह बात सही है, तो इसका आंसर सही होगा और हम लोग इस पे सही का निशान लगाएंगे। गा, वेतन 15 रुपये मिलेगा। यह बात हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ी थी, तो यह इस पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे। चौथा, दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। स्टोरी में हम लोग ने पढ़ा था, हाँ दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी, तो इस पे हम लोग सही का निशान लगाएंगे। पाँचवा, राजा का निजी कार्यालय सचमुच शाही कार्यालय हो गया। ये बात हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ी थी, तो यह बात सच थी, राजा का निजी कार्यालय सचमुच शाही कार्यालय हो गया था, तो इस पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे। अब हम लोग बाकी की एक्सरसाइज कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप लोग ये सब एक बार रिवाइज कर लेना।